दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत हवाल में कार के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेंद्र कुमार निवासी नूरपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार नरेंद्र कुमार अपने दोस्त मंजीत निवासी ज्वालामुखी के साथ स्विफ्ट डिजायर कार में जसूर से वाया हरसर होते हुए नैना देवी की ओर जा रहा था कि हवाल में उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे पलट गयी। हादसे में कार सवार नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि चालक मंजीत को मामूली चोटें आईं। दोनों को स्थानीय युवक सिविल अस्पताल जवाली में ले आए, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने नरेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि मंजीत का उपचार जारी है। सूचना मिलते ही जवाली पुलिस अस्पताल पहुंच गई तथा चालक के बयान कलमबद्ध किए। डीएसपी जवाली ओंकार चंद ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। हम जसूर से आ रहे थे। कहां जा रहे थे? नैना देवी। तो ये क्या भाई साहब का क्या नाम है, क्या करते थे? ये नरेंद्र कुमार है और ये नूरपुर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा जी। और मैं नैना देवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, ठीक। आपके घर कहाँ है? मेरे घर है कॉलेज। अच्छा, धनोद गाँव में। इनके ठंडर जिसमें। अच्छा। ड्राइवर साइड ना कुछ ऐसे चले गए सीधे, ऐसा ऐसे वो पता नहीं पैर बैठा क्या हुआ और इस तरफ को गई गाड़ी, आगे जगह कम थी। खाई में चली गई या क्या? खाई नहीं, खाई समझ लो आपको थोड़ी सी लगता है। अच्छा, अड्ड जी नहीं होती तो रोड पर। हाँ, देखिए घर है ना। हाँ, उस रास्ते जैसे ऐसी गाड़ी से रोड से नीचे। तो इनको कहाँ सट लगी, क्या है? इनको ना सिर में लगी थी शायद, नाक से खून निकल रहा था। अच्छा, सर से तो पता नहीं, इनके डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर में। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थी हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।